दोस्तों नमस्कार, मैं रंजू के वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे ही होंगे। तो चलिए, हरा मटर है जिससे आज कचौड़ी बनेगा, हरा मटर का बनाया जाए। तो देखिए, कढ़ाई गैस पे रख दी हूँ गर्म होने के लिए, और इसको अच्छे से धुला गया है, धुल के रखा गया है। और इसको अब इस कढ़ाई में पड़ेगा, और इसको ऐसे बिना तेल ओल के इसको भूनना है। तो बने रहिए मेरे वीडियो में। इसको इस तरह चला के ढक देना है 5 मिनट के लिए, होगा अच्छे से। और मेरा वीडियो देखते देखते आप लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब ना किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिया करिए। तो देखिए, इस तरह का ये हो गया है, पक गया है अच्छे से, और इसको ऐसे दब गया। अब इसको बंद करना है फ्लेम, और उसको निकाल के पीसना है। चाहे सिल्वर से पीसिए या तो आप मिक्सर में पीसिए, तो उसको पीस लेना। और जो कढ़ाई काला हुआ है तो इससे आप परेशान ना होइए, डरिएगा नहीं। ये कढ़ाई पानी डाल देंगे तो आराम से मार देंगे, उसको साफ हो जाएगा। और इसमें भूनते समय नमक भी आप डाल सकते हैं। ऐसे मैं ताज़ा मटर था इसलिए नमक नहीं डाली हूँ, ऐसे ही बना ली हूँ उसको भून ली। तो देखिए, मटर, हरा मटर जो था भुना हुआ वो पिसा गया, और ये लहसुन, हरे मिर्च का, और जीरा का ये पेस्ट है, इसको इसमें मिक्स कर दीजिए। और साथ ही इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। तो ये इतना नमक में हो जाएगा, आप स्वाद अनुसार डाल दीजिए जितना बनाना है उसी हिसाब से। और इसमें थोड़ा सा हींग मिक्स कर दीजिए, और साथ ही इसमें धनिया का पत्ती डाल दीजिए, इसको भी मिला दीजिए। और एक आधा नींबू कटा हुआ है, इसका रस निचोड़ के डाल दीजिए। इसको आप अच्छे से मिला दीजिए। ये 2 कटोरी नॉर्मल गेहूं का आटा है, और कचौड़ी बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा ये अजवाइन है, इसको ऐसे रगड़ के डाल दीजिए, और थोड़ा सा इसमें नमक डाल दीजिए। तो चलिए, क्योंकि नमक सब्जी में भी है, कचौरी के मसाले में भी है, तो थोड़ा सा आधा चम्मच नमक पड़ेगा। और 2 चम्मच की कटोरी है, तो इस कटोरी में 1 कटोरी तेल है, 2 चम्मच तेल है, इसको इसमें डाल के अच्छे से इसको मसल देना है। इसको खूब बढ़िया से मसल देना है। चूंकि इससे ज्यादा तेल हो जाएगा तो तेल बहुत हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा कम ही तेल डालते हैं, अच्छा भी होगा, क्रिस्पी भी होगा, और कम तेल भी रहेगा। अच्छे से मसला गया, अब इसको पानी से, नॉर्मल पानी है, इससे थोड़ा थोड़ा डाल के इसको गूंदना है आटा को। तो गूंद लीजिए। ते मेरा आटे का डो तैयार हो गया, और अब चलिए अब कचौरी बनाने। कढ़ाई गरम हो रहा है देखिए, और इसमें तेल डाल दे रही हूँ, तलने भर के तेल डालिए। तो हो गया,
और जब तक ये तेल गरम हो रहा तब तक आगे देखिए प्रोसेस। ये आटा का छोटा छोटा लोई बना के इसका पेड़ा तैयार कर लीजिए। और इसको इस तरह कटोरी की तरह बना के इसमें इस तरह कटोरी की तरह बना के इसको और इसमें ये मटर का जो है मटेरियल इसको डाल दीजिए। और इसको ऐसे दबा के आप धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके ऐसे करके अंदर दबाते हुए उसको इस तरह इसका मुंह बंद करके इस तरह के इसको बना दीजिए। थोड़ा सा सूखा आटा लगा के इस तरह बढ़ा दीजिए इसको और बेलन के सहारे से इसको बेल दीजिए। कचौड़ी आपकी मिला गई। अभी तो तेल मेरा गर्म हो रहा है, देखिए थोड़ा सा इसको चेक करें, गरम हो गया तेल। अब इसको इसमें डाल दीजिए। तो अब ये एक तरफ सिका गया, दूसरे तरफ इसको सेकिए और ये दूसरा तब तक डालिए इसमें तेल में। अब ये देखिए कचौड़ी मेरी हो गई अच्छे से, फली फली कचौड़ी। तो देखिए कचौड़ी और सब्जी तैयार हो गया है। और इसको देखिए मटर की कचौड़ी कितना अच्छा है, कितना टेस्टी है। तो बनाइए, आप भी खाइए ठंडी में गर्मा गर्म। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।